सेकेंड वेव में एक चीज देखने को मिला था कि कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव होने में 15 दिन से लेकर के एक महीने का समय लग जा रहा था। जिनके लंग्स ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे उनके लिए और भी ये क्रिटिकल हो जाता था। पोस्ट कोविड इफेक्ट भी देखने को मिला था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ भी देखने को मिले थे। लेकिन थर्ड वेव में ऐसा नहीं, एक सामान्य वायरल फीवर जैसा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से हम लोगों को इस महामारी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन हर व्यक्ति अगर करेगा तो हम इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वायरस कमजोर हो रहा है अब ये ट्रेंड देखने को मिला है। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। हर एक जनपद में जाकर के हम लोग थर्ड वेव से भी सफलतापूर्वक सामना करके जन जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कर सके। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन सभी चीजों का निरीक्षण किया है। यहाँ पर कुल 20 पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनमें से 12 गोरखपुर के हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं और या बिहार और नेपाल से जुड़े हुए हैं। उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। 10,000 टेस्ट करने की क्षमता के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो लेवल 3 कोविड जांच की लैब है उसके माध्यम से करने की क्षमता है और शेष अन्य लैब्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों के पास कोरोना की जांच और उसके आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की व्यवस्था हमारे पास यहां मौजूद है। मुझे ये बताना है कि प्रदेश के अंदर या जो अब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तय माना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में लोग ले सकें, यह हमें प्रोत्साहित करना होगा। जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वे दूसरा भी ले लें, जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, कोमोर्बिड हैं यानी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए एक प्रिकॉशन डोज भी तय की गई है यानी बूस्टर डोज। तो उस बूस्टर डोज को लेने की तैयारी वे सभी करें। हर एक जनपद में यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारे नवयुवकों में इसके प्रति जागरूकता है। प्रदेश ने अब तक 22 करोड़ यानी 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस दी हैं। इतने वैक्सीन के डोज अब तक लग चुके हैं, 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस प्रदेश में अंदर लग चुकी हैं और 15 से 17 वर्ष के बच्चों में भी इसके भारी उत्साह देखने को मिला है, जिसमें 47,25,000 से अधिक नवयुवकों ने भी यह वैक्सीन की डोज प्रदेश के अंदर अब तक ले ली है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर का जो कुल लक्ष्य है, फर्स्ट डोज लेने का जो लक्ष्य है वह है 35,50,000 और अब तक गोरखपुर में 29,50,000 लोगों ने वैक्सीन की डोजेज ले ली है। हम लोगों ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है और मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में कहा कि प्रत्येक जनपद की प्रतिदिन समीक्षा करें, क्योंकि हम सतर्कता और सावधानी से ही इस महामारी से जूझ सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं, इसलिए कोई लापरवाही ना हो। इस दृष्टि से अब तक हम लोगों ने उनको कहा कि इसकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए और हमारा प्रयास हो कि फर्स्ट डोज लेने वाले सभी लोग हर हाल में 25 जनवरी तक फर्स्ट डोज ले सके। मेरी अपील होगी गोरखपुर वासियों से भी, प्रदेश वासियों से भी, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है वे वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है वे सेकेंड डोज भी जरूर लें और जिन्होंने सेकेंड डोज भी ले ली है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वे लोग
बूस्टर डोज भी जरूर ले लें। एक नियम बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है उन सभी लोगों के लिए। गोरखपुर में एक चीज और देखने को मिली कि हमारे युवाओं में भी वैक्सीन लेने की एक अच्छी उनके अंदर जागरूकता देखने को मिली है, और यहां पर लगभग 33% से अधिक युवाओं ने अब तक वैक्सीन ली है, जिनकी संख्या यानी 1,01,500 से अधिक है। मैं विश्वास करूंगा कि हमारे सभी युवा जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं वे अपनी वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति भी अपना वैक्सीन का डोज ले लें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय होगा और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पर हम उसी से नियंत्रण कर पाएंगे। आज मुझे यहां पर मेडिकल कॉलेज में कोविड प्रबंधन को देखने का, यहां पर हम लोगों ने 500 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड बनाया है, जिसमें 300 बेडेड ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर और एचएफएनसी मौजूद है, शेष 200 में ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और पीएसए प्लांट भी यहां पर मौजूद है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हर सभी 500 बेड्स में उपलब्ध हो सकती है और सभी लोगों को उपलब्ध